गुड इवनिंग बच्चों, ये मैं सेशन थर्ड यानी तीसरे सेशन की एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल की एक्सरसाइज के साथ उपस्थित हूँ। ये सारी मेहनत मैं करता हूँ और अभी इसे तुरंत मैंने बनाया है, पूरी एक्सरसाइज, सारी कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि आपके ये काम आ सके। ये सारा जो दिया गया एडिटोरियल है उसी पर आधारित है, इसलिए आपका रिविजन भी हो जाएगा। एग्जाम्स में भी, चाहे आप SSC दे रहे हों, बैंक दे रहे हो, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, CDS की कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम से कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती हो, हर उस एग्जाम के लिए वर्ड पावर, ये कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और आगे और भी चीज जुड़ेंगी, ये सब आपके लिए जरूरी होंगे। ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं कि हम कितना समझ पाए हैं। ठीक है, चलिए पहला वर्ड है आपके सामने प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का सरनेम क्या होगा? लिविंग्स होगा या गोइंग्स ऑन होगा या प्रोसीड्स होगा या टेन्योर होगा, क्या होगा? यहां कुछ वर्ड्स अच्छे हैं आपके, जैसे ये टेन्योर बेहतर वर्ड आपके लिए है। क्या होगा इसका सरनेम बच्चों? प्रोसीडिंग्स का क्या प्रोसीड्स होगा? प्रोसीड्स मीन्स जो इनकम होती, आय होती है उसे प्रोसीड्स कहते हैं, जो आपको लाभ के रूप में मिलता है। क्या लिविंग्स होगा? लिविंग्स मीन्स जूठन होता है। क्या टेन्योर होगा? टेन्योर मीन्स कार्यकाल होता है, टर्म जो होता है वो टेन्योर होता है आपका। तो क्या गोइंग्स ऑन होगा? बिल्कुल होगा। गोइंग्स ऑन मीन्स जो चीज चल रही हो। तो प्रोसीडिंग्स मीन्स आपको याद होगा, प्रोसीडिंग्स मीन्स कार्यवाहियां होती हैं, तो जो अदालत की लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, दिस इज गोइंग्स ऑन मीन्स कार्यवाही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लिटिगेंट। सोचे बच्चों क्या होगा इसका सरनेम? लिटिगेंट का सरनेम चारों शब्दों में से, वर्ड्स में से क्या होगा? सपोर्टर होगा या अपोनेंट होगा या प्लेयर होगा या मैनेजिएबल होगा? कभी आपको किसी चीज का आंसर ना आ रहा हो ऑप्शंस के रूप में, तो आप एलिमिनेशन सिस्टम भी सीख लें। जैसे अगर आपको पता है कि लिटिगेंट वो होता है हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ लॉसूट, जो किसी लॉसूट में इन्वॉल्व होता है, तो वो मुकदमेबाज होता है। तो क्या सपोर्टर मुकदमेबाज होता है? तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा वर्ड है हमारा प्लेयर। क्या प्लेयर कोई मुकदमेबाज होता है? एलिमिनेट कर दिया। तीसरा वर्ड हमारा है मैनेजिएबल। मैनेजिएबल क्या होता है? मैनेज करने योग्य। इसका मुकदमे से क्या मतलब है? एलिमिनेट कर दिया हमने। हमारे पास बचा अपोनेंट, हो जाएगा अपोनेंट मीन्स होता है विरोधी। तो जो मुकदमा करता है वो कौन होता है? आपका विरोधी होता है। तो लिटिगेंट का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा अपोनेंट। ठीक है, ऐसे भी आप छांटना सीखें, नहीं आ रहा हो तो एलिमिनेट करना सीख लें। चलिए नेक्स्ट तीसरा वर्ड हमारे पास है डिस्टिंक्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इसका सिनोनिम जो होगा वो रियल होगा या मर्सनरी होगा या स्पेसिफिक होगा या ऑर्डिनरी होगा, क्या होगा बच्चों? जिन बच्चों ने भी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, पहली बार ज्वाइन किया हो, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए। और मैंने देखा बच्चे लाइक वगैरह कमेंट करना नहीं कर रहे हैं, तो करें बच्चों, इससे आपका भी तैयार होगा। जब आप वर्ड्स वगैरह लिखते हैं कि हाँ इसका ये आंसर हो रहा है, तो वो आपके दिमाग में बैठता है। आप मेन पर्पज रखें तैयार करने का। ठीक है, चलिए डिस्टिंक्ट का क्या होगा? रियल, मर्सनरी, ऑर्डिनरी या स्पेसिफिक। रियल क्या होता है? वास्तविक, जो चलिए वास्तविक है वो रियल है। मर्सनरी कौन होता है? भाड़े का सैनिक, वन हु कैन बी हायर्ड फॉर एनी कंट्री और एनी ग्रुप बाय एनी कंट्री और एनी ग्रुप, जो किसी भी देश के द्वारा, किसी भी ग्रुप के द्वारा हायर किया जा सकता हो, भाड़े का सैनिक होता हो, पैसे के लिए वो काम करता हो, वो मर्सनरी होता है। ठीक है, क्या ऑर्डिनरी होगा? ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, सामान्य। क्या स्पेसिफिक होगा? बिल्कुल होगा। स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष। तो डिस्टिंक्ट मीन्स भी क्या होता है? जो दूसरों से अलग हो, मीन्स विशेष हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट। आपने कभी सोचा कि नहीं बच्चों की विशेष को विशेष क्यों कहते हैं? विशेष मीन्स विरुद्ध शेष, अर्थात जो शेष के विरुद्ध उनसे अलग हो वो डिस्टिंक्ट कहलाता, विशेष कहलाता है। जैसे विज्ञान होता है ना, विशुद्ध ज्ञान, दिस इज विज्ञान, वैसे विशेष विरुद्ध शेष, दूसरों से बिल्कुल विरुद्ध हो, अलग हो।
चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का क्या सनोनिम होगा, इसके सनोनिम आप याद कर लेंगे काम आएगा, क्या डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन मीन्स बिखराव होता है, क्या डिजास्टर होगा, याद होगा आपको डिजास्टर मीन्स विपत्ति आपदा होता है, कैलॉमिटी या कैटास्ट्रोफी होती है, क्या लेकेडेस्कल होगा, नहीं होगा। लेकेडेस्कल कौन होता है, जो आलसी होता है, लेजी होता है, श्लगिश होता है, लेथार्जिक होता है, वो लेकेडेस्कल होता है। तो बिल्कुल क्राउड होगा ना, क्राउड क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन, कोई समागम हो, कोई मंडली कहीं पर हो, कोई जनसमूह हो, कोई जमघट हो, कोई असेंबली हो, कोई पार्लियामेंट हो, वो एक प्रकार का कॉन्ग्रीगेशन है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है रेटिफाई। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेटिफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, बोले लेथार्जिक, अभी मैंने बोला था आलसी, एंडोर्स किसी को समर्थन करना, उसकी बात को पुष्टि करना, लर्क जो चीज आपके हृदय में छिपी हुई हो, घात लगा के बैठी हुई हो, म्यूटिनी सेना के जो अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह होता है सैनिकों का या पुलिस का, वो क्या होता है म्यूटिनी, यानी म्यूटिनी मीन्स विद्रोह, म्यूटिनियर मीन्स विद्रोही होता है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा ना वो बच्चों, चलिए चलिए याद आ गया, रीबेल, रीबेल कौन होता है, विद्रोही होता है, और रिबेलियन क्या होता है, विद्रोह होता है, ठीक है। वैसे म्यूटिनी विद्रोह और म्यूटिनियर विद्रोही होता है। तो रेटिफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा, याद है रेटिफाई मीन्स, रेटिफाई मीन्स किसी चीज की पुष्टि करना, उसे एंडोर्स करना, उसे डिटरमिन कर देना, उसे कंफर्म कर देना, तो रेटिफाई का क्या हो जाएगा, एंडोर्स, उसका समर्थन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है वाइटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, तो कर लेंगे आप, वाइटल का इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है जो गैर जरूरी हो, मीन्स जिसका कोई महत्व ना हो, जो महत्वहीन हो, तुच्छ हो, ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसे पाल्ट्री कहते हैं, PLTRY, एक अमाउंट के रूप में पाल्ट्री मीन्स तुच्छ, थोड़ा सा। ल्यूक्रेटिव क्या होते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए लाभप्रद हो, लाभदायक हो, वो ल्यूक्रेटिव होता है, जैसे ये बिजनेस ल्यूक्रेटिव है, यानी बिजनेस तो लाभप्रद है। ल्यूडिक्रस क्या होता है, जो चीज निरर्थक होता है, दैट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, इसका कोई महत्व ना हो, निरर्थक हो, बेकार हो, वो ल्यूडिक्रस होता है। और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वाइटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद हो रहा होगा बच्चों आपका क्या जा रहा है, सोच के देखें, बस थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, अच्छी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, एक ऐसी चीज जो चलती रहेगी, विश्वास करें बच्चों ये चलती रहेगी, क्योंकि मैं खाली 2-3-4 महीना अभी कुछ नहीं होना जाना, ये चलता रहेगा, और आगे भी मैं ऐसा इसका शेड्यूल बना दूंगा ताकि मैं कम से कम जो एडिटोरियल और उसकी एक्सरसाइज है वो रेगुलर लेके चलो, क्योंकि मैं इसके फायदे जानता हूं, बहुत फायदा है एडिटोरियल का। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, स्टेप अप बच्चों है, स्टेप अप, जिंदगी में आप भी हमेशा स्टेप अप करें, तो क्या करें, टू कम बैक करना चाहेंगे आप, या टू बी लेजी होना चाहेंगे, या हमेशा पैसा कमाने की सोचते रहेंगे, या हमेशा आगे बढ़ना चाहेंगे, कर लेंगे, स्टेप अप का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टू एडवांस, आगे बढ़ना, ठीक है, ऊपर उठना। नेक्स्ट वर्ड भी आपके लिए इजी है, स्पीड अप, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने कहा हुआ है स्पीड की सेकेंड फॉर्म जो यूज करना है आपको वो स्पीड होता है, ठीक है। तो स्पीड अप का क्या होगा, टू एक्सेलरेट, गति को बढ़ाना, टू एग्जामिन मीन्स परीक्षण करना, टू डिसेलरेट, गति को घटाना, या टू लूज, खो देना, कर लेंगे आप, स्पीड अप का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टू एक्सेलरेट। चलिए ये दो वर्ड्स आपके लिए और हैं, बस इसमें कर लेंगे आप, एलोकेशन, एलोकेशन क्या होते हैं, याद है आपको इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रिजर्व, सुरक्षित रखना, डैमनेशन, कोई शाप, एनाथेमा, कोई अभिशाप, या अलॉटमेंट मीन्स निर्धारण, आवंटन, बंटवारा, कर लेंगे ना, एलोकेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। और बच्चों लास्ट वर्ड आपका है यूटिलाइज, मैं बहुत ज्यादा वर्ड यूज करता हूं क्योंकि मैं कहता हूं आपको हर पल को यूटिलाइज करना चाहिए, तो हर पल को क्या, डिप्लॉय करना चाहिए। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है, सैनिकों या पुलिस की तैनाती जो होती है वो उन्हें डिप्लॉय करना होता है, मीन्स तैनात करना होता है।
aptitude शायद आपको याद हो या आप भूल गए होंगे शायद. aptitude means मंद, कुंठित. जो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है या कुंठित मानसिकता का होता है वो aptitude होता है. एक्सक्लूजन आपको याद है, एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूजन याद करें, एक्सोनरेशन याद है आपको, एग्जेम्पशन, डिस्पेंसेशन मीन्स रियायत, किसी चीज में छूट, एक्सक्लूड कर देना अर्थात उसे छोड़ देना. और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका, नॉर्मल करने की क्रिया. एक बार फिर से वही मैंने किया, यूटिलाइज का जो वास्तव में ऑप्शन होना चाहिए वो मैंने आपको यहां नहीं दिया, लेकिन आप जानते हैं यूटिलाइज का जो ऑप्शन होगा वो अपने से भी आप कर सकते हैं. यूटिलाइज का ऑप्शन हो जाएगा, ये देखें सामने, यूज हो जाएगा, उपयोग करना, किसी चीज का यूज करना जो होता है वो होता है. और क्या होता है, एम्प्लॉय भी यूज कर सकते हैं आप ना, एम्प्लॉय करना, ये भी आपका हो जाएगा एम्प्लॉय, इसके मीन्स भी यूज करना होता है. ठीक है, तो ये 10 आपके पास सिनोनिम्स के रूप में अच्छे अच्छे वर्ड्स थे. 50 वर्ड्स हैं, सारी वर्ड्स देखेंगे 50 वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे. और आप सोचेंगे रेगुलर बच्चों ये मेहनत करें आप, वो भी द हिंदू एडिटोरियल से, तो क्या ना कर लें, कौन से एग्जाम में वर्ड पावर की या किसी चीज को समझने में आपको दिक्कत आए. जो बच्चे सोचते हैं ना, सोचते हैं इस चीज को, सोचें बच्चों आज से कि जो आप पैसेजेस पढ़ते हैं ना, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आपके पास ये वर्ड्स नहीं होते. एडिटोरियल आप पढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपकी वर्ड पावर अच्छी नहीं, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं. तो मैं तो एडिटोरियल में सब कुछ कर रहा हूं बच्चों आपके लिए, अगर आप बस मेरा सपोर्ट करें जो अभी आप कम कर रहे हैं. आपको लगना होगा बच्चों, अन्य बच्चों को बताना होगा कि मेरा भी उत्साह वर्धन हो कि हाँ बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये कॉमन एरर्स आपके सामने आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका देख लें. Among the national lockdown, यानी national lockdown के बीच में, the Supreme Court and several other courts, बहुत सारी अदालतें जिनमें Supreme Court भी शामिल है, have been holding virtual proceedings. वो एक तरह से computerized कार्यवाही चला रहे हैं. क्या गलत है बच्चों यहाँ पे, बोलें पूरा वाक्य देख लें, शायद आपको याद आ जाए, जहां तक मुझे लग रहा है आपको याद आ जाएगा. याद आ रहा है बच्चों आपको, क्या गलत है यहां पे, याद आ रहा है, ये वर्ड एमंग. मैंने कल आपको बताया था कि एमंग क्या होता है, एमंग और एमिड का जो फर्क होता है, एमंग वो होता है जो नॉर्मली अपने आगे सिंगुलर नहीं लेता है, हमेशा प्लूरल नाउन लेता है. तो अगर यहां पे आप देख रहे होंगे नेशनल लॉकडाउन है ना, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो एमंग कैसे ले सकते हैं, आपको यहां पर क्या लेना होगा बच्चों, याद आ रहा है आपको, आपको यहां पर एमिड लेना होगा, यानी ये वर्ड लेना होगा आपको, एमिड, यानी आप एमंग के बजाय क्या ले लें, एमिड का प्रयोग कर लें. एमिड सिंगुलर नाउन लेता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन लेता है. चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट कॉमन एरर हमारे पास है, वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम, एक व्यक्ति उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, क्लोज्ड, किस रूप में, क्लोज्ड के रूप में, आर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, या कैमरा प्रोसीडिंग्स के रूप में उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है. क्या गलत है बच्चों, बोले समझ में आ रहा है बच्चों, आपको मेरी लाइन याद है जो मैं बोला था कि कभी भी अगर आप डिस्क्राइब का प्रयोग करें तो जिस रूप में किसी को या किसी चीज को आप मान रहे हैं उसके साथ आपको क्या लगाना होगा, एस का प्रयोग करना होगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, देखें जैसे हमको कहना हो आई डिस्क्राइब्ड देम अ वेरी जेन्युइन पर्सन, गलत है बच्चे, मैंने उनको जेन्युइन पर्सन के रूप में डिस्क्राइब किया, वर्णन किया के रूप में, तो जिस रूप में हमने वर्णन किया है ना उसके पहले क्या लगा दें, एस लगा दें. अभी वाक्य सही है, तो आई डिस्क्राइब्ड देम एज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. एक और एग्जांपल देख ले किसी और वर्ब का जो एस लेते हैं, जैसे हमने कहा शी पोर्ट्रेड हिम वन ऑफ द बेस्ट
स्पैनिश, ठीक है, लगेगा आपको सही है बट गलत है। पोर्ट्रे मीन्स होता है किसी को प्रदर्शित करना, चित्रित करना, तो उसने उसे सबसे अच्छा व्यक्ति चित्रित नहीं किया, सबसे अच्छे हस्बैंड के रूप में, हस्बैंड्स में से एक के रूप में चित्रित किया। तो शी पोर्ट्रेड हिम, और जिस रूप में आपने किया है उसके पहले आपको एज लगाना होगा। एक्चुअली ये जो वर्ब्स आपके हैं ना, ये नॉर्मली एज लेते हैं, लेकिन तभी जब वो पोर्शन दिया हो कि किस रूप में उनका यूज किया जा रहा है। ये वर्ब्स पोर्ट्रे हो सकते हैं, पोर्ट्रे हो जाएगा, डिपिक्ट हो जाएगा, व्यू हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम में दिया जाएगा होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी आपने डिस्क्राइब पढ़ा, डिस्कस आप जानते हो, डिफाइन जानते हो, ये ऐसी वर्ब्स हैं बच्चों जिनके बाद अगर आपको लगे किसी रूप में ये वर्ब्स यूज कर रही हैं, किसी रूप में किसी को पोर्ट्रे किया जा रहा है, डिपिक्ट यानी प्रदर्शित किया जा रहा है, व्यू यानी देखा जा रहा है, रिकॉर्ड यानी माना जा रहा है, डिस्क्राइब यानी वर्णन किया जा रहा है, डिस्कस यानी उस पर बहस की जा रही है, डिफाइन, सॉरी यहां स्पेलिंग देख लें, डी होगा, डिफाइन यानी उसका वर्णन किया जा रहा है, तो फिर वहां पे उससे पहले आपको एस का प्रयोग करना होगा। अगर आपको पैसिव एस में करना होगा तो नो का भी आपको एस के साथ प्रयोग करना होता है। मैं यहां दो और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, रिकॉर्ड और नो का आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे ही इज नोन अ गुड पर्सन, गलत वाक्य है बच्चों, वह एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो ही इज नोन एज अ गुड पर्सन हो जाएगा, ठीक। और एक वाक्य रिकॉर्ड का भी मैं कर दे रहा हूं, जो सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम समय आपको दिया गया होगा। देखें, आई रिकॉर्ड हिम माई सन, मैं उसे अपने बेटे के रूप में मानता हूं, बेटे के रूप में, मैं उसे बेटा नहीं मानता हूं, मैं उसे अपने बेटे के रूप में मानता हूं, क्योंकि बेटे को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, ठीक है, आप समझते होंगे, तो मैं उसे बेटे के रूप में मानता हूं, तो आई रिकॉर्ड हिम, जैसे रिकॉर्ड आया वैसे यहां पे एज हो जाएगा, आई रिकॉर्ड हिम एज माई सन। तो वैसे ही अब ये वाक्य देख लें बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सुन के अच्छे समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। ये वाक्य देखें, वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम क्लोज्ड, ये क्लोज्ड के रूप में यानी क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स या कैमरा प्रोसीडिंग्स के रूप में कोई उन्हें मान सकता है, तो वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम, और यहां क्या आना चाहिए था, एस आ जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, एस, वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एस क्लोज्ड आर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, ओके, बढ़िया। इस तरह से अगर आप डिस्कशन करेंगे मेरे साथ तो ये चीजें आपके हमेशा याद में रहेंगे, काम आएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है आपके सामने, थ्री जज बेंच, ये तो सही दिया मैंने ना, यहां कोई गलती नहीं दी, अब की बार आपको याद हो गया होगा। अ थ्री जज बेंच ले डाउन ब्रॉड नॉर्म्स फॉर कोर्ट्स, यानी एक तीन जजों वाले बेंच ने, पीठ ने नए कुछ विस्तृत कानून रखे, मीन्स नॉर्म्स चर्चाएं की फॉर कोर्ट्स उनके लिए। तो क्या गलत है इस वाक्य में, आपको आना चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि मैंने आपको एक फ्रेज ऑफ द डे आपको बताई थी, तो सोचें क्या होगा यहां। बोलिए बच्चों, आ रहा है समझ में, अ थ्री जज बेंच ले डाउन, थ्री जज बेंच है, अगर आप इंडेफिनिट में भी यूज करेंगे, प्रेजेंट में भी, तो भी ले डाउन नहीं होगा ना, थ्री जज बेंच, बेंच तो एक ही है ना, वो तो लेस डाउन होता प्रेजेंट में, लेकिन उसने उन नियमों को बनाया ना, पास्ट में जाना होगा, तो ले डाउन मीन्स होता है स्थापित करना, निर्धारित करना, तो यहां ले कैसे होगा बच्चों, इस ले के स्थान पे क्या हो जाएगा, समझ में आया आपको, आया, ये हो जाएगा बच्चों, ले डाउन के स्थान पे हो जाएगा लेड डाउन, ले की सेकेंड फॉर्म आपको अगर याद हो लेड होती है, ये लाई ले, लेन वाला नहीं है, ले लेड लेड वाला, ठीक है, तो जाएगा अ थ्री जज बेंच लेड डाउन ब्रॉड नॉर्म्स फॉर कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
एक्सेस विद जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनीवन, यानी न्याय तक जो पहुंच है वो किसी को कोई भी उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या गलत है यहां पे? बोले बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया, आपको याद आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, आपका प्रिपोजिशन का जो आपने एडिटोरियल पढ़ते हुए अगर से देखा हो, एक्सेस के साथ आप विद का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, एक्सेस के साथ आप टू का प्रयोग करते हैं, एक्सेस टू समवन आर समथिंग। तो एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनीवन, वैसे आगे ध्यान रखिएगा, डिनाइड भी याद कर लीजिएगा कि डिनाइड के साथ जो आप प्रीपोजिशन लेते हैं वो यहां पे किसी के लिए सेंस में अगर भाव है तो क्या होगा, टू का प्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज से भाव आता है तो डिनाई ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। देखें, द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज रिटन टू द सीजीआई एंड अदर जजेस। क्या गलत बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, देख लें आप यहां पे क्या गलत है, यहां पे हमको करके दिखाएं, आप बता के दिखाएं, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, क्या गलत है यहां पे? द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज रिटन द सीजीआई एंड अदर कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, यानी एससीबीए ने सीजीआई को और अदर जजेस को लिखा है, लिखा है, हैज रिटन, क्या गलत है बच्चों? आ रहा है समझ में? देखें, पहले देखें ये वाक्य सही है कि नहीं, या ये वाक्य सही है कि नहीं, आई स्पोक है, आई टॉक है, आई रोट है, I prayed him, I proposed him। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी तमन्ना है कि आप अच्छे बन जाएं धीरे धीरे, हर लेवल पे, ग्रामर के लेवल पे, वर्ड पावर के लेवल पे, नहीं तो मैं आराम से बता के निकल सकता था। I suggested him। इनमें से कितने वाक्य सही बच्चों? बोले, I spoke him, I talk him, I wrote him, I prayed him, I proposed him, I suggested him, सही है। और एक देख लें अगर आप चाहें तो, I reported him, सही है। सब वाक्य गलत हैं बच्चों, सारे सेंटेंसेस गलत हैं, वैसे ही जैसे यहां पे गलती है। जब भी आपको स्पीक के बाद, टॉक के बाद, रोट के बाद, प्रेड के बाद, मतलब प्रे के बाद, प्रपोज के बाद, सजेस्ट के बाद, रिपोर्ट के बाद, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना हो, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना हो तो हमेशा इनके साथ क्या लगाएं, टू लगाएं बच्चों। आई स्पोक टू हिम, आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम, आई रोट टू हिम, आई प्रेड टू हिम, आई प्रपोज्ड To him, I suggested, जैसा बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते, to him, I reported to him, this is, ऐसे कुछ verbs आगे मैं आपको बताऊंगा जहां अगर direct object है तो आपको to नहीं लगाना होता है, अभी मैं orally आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप request का प्रयोग करते हैं, advice का प्रयोग करते हैं, command का प्रयोग करते हैं, urge का प्रयोग करते हैं, ask का प्रयोग करते हैं, tell का प्रयोग करते हैं, इनके साथ आप कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग एक्टिव वॉइस में न करें आप, ठीक है? चलिए, तो द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज रिटन, रिटन के बाद देखिए सीधे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया द सीजेआई, गलत है, हैज रिटन क्या होगा, टू हो जाए, हैज रिटन टू द सीजेआई एंड अदर जजेज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये मेरे पांच कॉमन एरर्स थे और ये तीन आपके पास सेंटेंस फिलर्स हैं जो आप समझ सकते हैं, करके दिखाएं पहले वाले में क्या होगा। ओपन कोर्ट हियरिंग्स डेट डॉट डॉट एट द अर्लीस्ट शुड रीस्टोर होगा, या शुड बी रीस्टोर होगा, या शुड हैव बीन रीस्टोर होगा, या शुड बी रीस्टोर होगा। अगर आपको याद हो तो ये एक्टिव वॉइस में नहीं बच्चों,
यानी ओपन कोर्ट्स की जो सुनवाई है एट द अर्लीस्ट वो जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। ओपन कोर्ट्स हेयरिंग्स करेंगे नहीं, उनमें किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए मीन्स पैसिव वॉइस। तो मैंने कल बताया था पैसिव वॉइस मीन्स मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा यहां, ये हो जाएगा, शुड बी रिस्टोर्ड हो जाएगा आपका। तो ओपन कोर्ट हेयरिंग्स शुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी जल्दी हो सके ओपन कोर्ट हेयरिंग्स शुरू की जाए, उन्हें वापस उस अवस्था में लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स का क्या होगा। प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली, वो प्रोसीडिंग्स विच आर हेल्ड वर्चुअली। आप कहेंगे सर विच आर हेल्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हेल्ड यहां मेन वर्ब नहीं। बच्चों मेन वर्ब देखिए प्रोसीडिंग्स के लिए ये है, यहां से ये आपकी मेन वर्ब में आएगा। ये आपका जो उसके आगे रखा गया है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका। तो मैंने कहा जब पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के बगल में हो, स्थिति अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार चाहे आप तो विच हु और दैट के द्वारा जोड़ सकते हैं टेंस के आधार पे। तो वो कार्यवाहियां विच आर हेल्ड वर्चुअली, जिन्हें वर्चुअली आभासी तौर पे आयोजित किया जाता है, रखा जाता है, मे आल्सो डॉट डॉट लाइव। क्या होगा यहां, ये लिव नहीं बच्चों, सजीव प्रसारण के सेंस में आप लाइव पढ़ा करिए। ठीक है, क्या होगा बोले, मे आल्सो बी स्ट्रीम्ड या मे आल्सो बी स्ट्रीम या मे बी आल्सो स्ट्रीम या शुड बी आल्सो स्ट्रीम, क्या होगा। ये भी पैसिव एक्शन ना, इन्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रीम किया जाना चाहिए। पैसिव एक्शन है या किया जा सकता है, पैसिव एक्शन है। तो एक ही स्ट्रीम, एक ही इसमें ऑप्शन देखें, आप मॉडल है फिर बी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मे आल्सो बी स्ट्रीम, बाकी कोई है नहीं, देखने की आवश्यकता ही नहीं आपको। और ये लास्ट ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन आपका, द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो न्यायालय प्रशासन है शुड रियली एग्री, उसे वास्तव में एग्री हो जाना चाहिए डॉट डॉट दिस, इस चीज से। तो एग्री के साथ तो आपको आना चाहिए बच्चों, जिस लेवल पे आप होंगे आप जरूर जानते होंगे कि एग्री के साथ विद नहीं लगेगा, एग्री के साथ आन नहीं लगेगा, एग्री के साथ एट नहीं लगेगा। बच्चों विद क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एग्री विद समवन होता है, यहां समवन तो है नहीं, यहां पे दिस है। एग्री आन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एग्री आन सम टॉपिक होता है, टॉपिक तो है नहीं। एग्री एट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एग्री एट नहीं होता है बच्चों, एंग्री एट समवन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है, सॉरी मैं किसी चीज से गुस्सा हूं ना, एंग्री विद समवन होता है। तो हमारे पास एग्री के साथ क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों, टू हो जाएगा, एग्री टू समथिंग तो जाएगा, तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडिली एग्री टू दिस हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम थर्ड सेशन ऑफ एडिटोरियल विद द बिलीफ दैट इट विल सर्टेनली टेक एडवांटेज और बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, आप इससे लाभ लें बच्चों, रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप न अच्छे हो जाए तो मेरे से कहिए, इतना समय है कि आप दे भी सकते हैं समय। अगर आपको लगे सर हमारा ये सब्जेक्ट ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत समय बच्चों, आप बस 24 घंटे में 8 घंटा सोना रख दें और 12 दो घंटा इधर रख दें तो भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से सबसे अधिक बच्चे जो हैं वो असफल होते हैं। जितने बच्चे मेरे से मिलते हैं ज्यादातर बच्चों की शिकायत होती सर इंग्लिश की वजह से मेरी प्रॉब्लम है। तो विश्वास करें जिन बच्चों को ये शिकायत है उनका क्लोज टेस्ट, उनका पीके वायरस या उनका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मुश्किल में है, वो भी आगे आप अच्छा कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा तो उस दिन आपको स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, और स्ट्रक्चर आ जाएगा तो हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में ताकि आप इसे बेहतर तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।